किससे अट्रैक्ट होते हो उसको सेक्सुअल प्रेफरेंस बोलते हैं। अभी अगर मैं इसको अभी ब्रॉड, जैसे आपने नाम डाला था LGBT, अगर मैं उस पे डिवाइड करूंगा, एल और जी हिंदी में एक ही वर्ड होता है समलैंगिक, इंग्लिश में लेस्बियन एंड गे बोला जाता है, गे लड़कों को बोला जाता है और लेस्बियन लड़कियों को, पर हिंदी में एक वर्ड है समलैंगिक, जो जिनको अपने ही सेम जेंडर से प्यार हो जाता है उनको समलैंगिक बोला जाता है। और अभी LG, अगर हम वही टर्मिनोलॉजी जो कंटिन्यू किया जाए, तो बाइसेक्सुअल, कोई बोलना चाहेगा बाइसेक्सुअल को, आपको पता है क्या बोलते हैं? जी नहीं, मिनट, जिसका मैं शेयर स्टॉप करता हूं, बाद में चाहिए तो वो इमेज भेज देता। हाँ, तो बाइसेक्सुअल को उभयलैंगिक बोलते हैं, उभयलैंगिक बोलते हैं। यस, तो बाइसेक्सुअल मतलब दोनों जेंडर, लड़की हो या लड़का हो, दोनों जेंडर से प्यार हो सकता है या दोनों जेंडर से अट्रैक्ट हो सकता है उस पर्सन को, तो उनको बाइसेक्सुअल उभयलैंगिक बोलते हैं। और बिकॉज बाइसेक्सुअल के बारे में बात किया हमने, और उससे पहले हमने क्या कहा था, जेंडर और सेक्सुअलिटी। अब जेंडर और सेक्सुअलिटी बात करते हैं, तो हमारे कल्चर में या हमारे डॉक्टर्स को ऑलवेज हमेशा सिखाया गया है मेल फीमेल, मेल फीमेल, कोई दूसरे जेंडर्स के बारे में बात ही नहीं करते। अब आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं ज्यादा जेंडर्स के बारे में नहीं बोलूंगा। बेसिक एक होता है ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे और अलग अलग जेंडर आते हैं। अभी जस्ट उसके बाद अभी पैन सेक्सुअल के बारे में बोल रहा हूँ, जेंडर, अब सेक्सुअलिटी। अगर किसी को मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर से प्यार होता है, उनको पैन सेक्सुअल बोला। सारे जेंडर जो है, जिससे भी हो, उनको इंसान से प्यार होता है या इंसान से अट्रैक्ट होता है, उनके स्किल के ऊपर या उनके उनके एलिजिबिलिटी के ऊपर उनको प्यार होता है, उसको पैन सेक्सुअल बोला जाता है। पैन सेक्सुअल को हिंदी में सर्वलैंगी बोलते हैं। अभी तक कुछ क्वेश्चन है? हाँ, आई होप सबको समझ में आया। LGBT को मैंने हाँ डिवाइड किया जी हाँ चार पार्ट में। जी सो LGBT, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, LGBT में, सॉरी बोलिए। नहीं जी नहीं जी नहीं आप बोलिए। हाँ ओके, सो LGBT, फिर से मैं रिपीट करूंगा शॉर्ट फॉर्म में, LGBT दो ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइन होके आते हैं, जिसमें सेक्सुअलिटी है और एक जेंडर है, क्योंकि दोनों ग्रुप ऑफ पीपल को क्या होता है, वो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन फेस होता है, इसलिए सब लोग साथ में मिलके, वो लोग हम लोग बोलूंगा मैं, वो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, इसलिए इसको एक ग्रुप बना दिया है LGBTQ। और क्योंकि उनका प्रॉब्लम्स देखा जाए तो सेम है, उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, और इस वजह से ये सबको एक बॉक्स में बनाया गया है LGBTQ बोल के। बट इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, जेंडर अलग है एंड सेक्सुअलिटी अलग है। और अभी आप किसी में से एक, कोई भी एक बोलिए, अभी मैं देख रहा हूँ 57 पार्टिसिपेंट्स है, समलैंगिक होना गलत है कि नहीं है? चैट मुलानी में भी उठ डाल ना जाए। सकते हैं, चैट में भी डाल सकते हैं, अगर बात नहीं करना चैट में भी डाल सकते हैं, मैं चैट देख रहा हूँ, कुछ गलत नहीं है। हाँ कुछ गलत नेचुरल नेचुरल है। नेचुरल है, ये किसने बोला? प्रिंसिपल प्रिंसिपल? नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिक्लेयर किया कि समलैंगिक होना डिजीज नहीं है, गलत नहीं है। तो अगर प्रिंसिपल ने भी बोला, ठीक है, स्टूडेंट्स मान जाएंगे, पर हम हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि डॉक्टर्स को कि इसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, हार्मोन थेरेपी,
हार्मोन टैबलेट्स देते थे डॉक्टर सोच के कि इनके पास अगर मैं ज्यादा हार्मोन मेल हार्मोन दूंगा ये मेल के जैसे बिहेव करना शुरू करेंगे, ऐसे सब मिसकंसेप्शन था पहले। तो अभी उसको बैन कर दिया गया है और उसके खिलाफ अगर किसी पेरेंट ने या किसी रिलेटिव ने एक बच्चे को लेके जाके बोला कि ये होमोसेक्सुअल है इसको ठीक करो, तो उनको भी जेल हो सकता है। ये केस सेम है जेंडर से भी, अगर किसी को ट्रांसफॉर्म होना है डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट काउंसलर के से सर्टिफिकेट मिल जाता है जेंडर डिस्फोरिया का, मतलब उस पर्सन को अपने जो बॉर्न सेक्स और जेंडर मैच नहीं होता है। कुछ कंफ्यूजन अभी तक मैंने ज्यादा बोल दिया टेक्निकलिटी तो समझ जी नहीं वे नहीं समझ में आ रहा है सब बच्चों को। में आ रहा है ना? ठीक, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं पता चल रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं कोई नहीं। और अभी एल जी के बाद बाइसेक्सुअल पे फिर से मैं बात करूंगा। बाइसेक्सुअल क्या होता है? ऐसा नहीं कि लोग बोलते हैं कि अगर इसको ये लोगों को चीट करेगा, इनको सिर्फ सोना है, इनको दोनों तरफ प्यार होता है, ऐसे कैसे हो सकता है एक जेंडर को तो सोचना, ऐसे नहीं, ये ह्यूमन है और इनको किसी से भी प्यार हो सकता है, उनको जेंडर का मतलब ही नहीं है, मतलब इंसान से मतलब है, पर इनको सिर्फ मेल और फीमेल से प्यार होता है, ऐसे लोगों को बाइसेक्सुअल बोला जाता है। और हमने अपने एक्सपीरियंस में बहुत लोगों को देखा, अगर उन्होंने एक बार एक लड़की से कमिट हो गए तो लड़की के साथ ही रहते हैं, या लड़का से कमिट हो गए तो लड़का के साथ ही रहते हैं। ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं जहां पे लोग दोनों के साथ भी हैं, बट इट्स नेचुरल। जैसे आप अगर स्ट्रेट रिलेशनशिप में भी देखते हो तो लोग किसी के साथ भी रह सकते हैं। और ट्रांसजेंडर के बारे में तो आपको कल सोनाली जी, आई थिंक सोनाली जी ने बता दिया होगा। अब मैं थोड़ा इनके बैकग्राउंड सेक्सुअलिटी का बैकग्राउंड बताऊंगा, क्यों अभी तक लोग इसके लिए लड़ रहे थे। इंडिया में ब्रिटिश आने के बाद सेक्शन 377 डाला गया था इंडिया में। इस कानून इस लॉ में क्या बोला गया था कि कोई भी अननेचुरल सेक्स गुनाह है, मतलब एलजीबीटी के लिए नहीं बताया गया था। आप न्यूज में देख रहे होंगे कि गे सेक्स लीगल हो गया ये सब, पर वो गलत इंफॉर्मेशन है। क्या लीगल हुआ है? मतलब कोई भी कंसेंटिंग अडल्ट, मतलब कोई भी 18 इयर्स के ऊपर, और अगर उनको किसी के साथ भी सेक्स करना है वो लीगल है, कंसेंट से, मतलब अपनी इच्छा से, किसी को फोर्स करके सेक्स नहीं करना है, वो लीगल हुआ है उस लॉ के पीछे। पर दुनिया को उस न्यूज ने क्या बड़ा 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 के बोला है कि ओ गे सेक्स लीगल हो गया, नहीं, उसमें वो सब पे इफेक्ट हो रहा था वो लॉ, तो पर कम्युनिटी को ज्यादा इफेक्ट हो रहा था क्योंकि देख के ही पता चल जाता था कि हाँ ये नॉन प्रोक्रिएटिव सेक्स, मतलब मैंने वो लॉ से वर्ड लिया, नॉन प्रोक्रिएटिव मतलब जिससे बच्चा पैदा नहीं होता, वो सेक्स को अननेचुरल कहा गया था इसमें। अभी 2009 में 377 रेड डाउन के अमेंड किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। 2009 के बाद 2013 में फिर से उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस लागू किया। 2013 से 18 तक फिर से हम एलजीबीटी या कोई भी अगर नॉन प्रोक्रिएटिव सेक्स में इन्वॉल्व होता है मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता, अगर एलजीबीटी को देखा गया तभी इफेक्ट होता था वो। 2018 सितंबर को फिर से ये लॉ निकाला गया सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है इस लॉ के बारे में, या कुछ बिफोर नेक्स्ट में जाने से पहले कुछ क्वेश्चन है आपके पास? मुलांमध्ये कोणाला विचारायचे काही विद्यार्थ्यांना? जी नाही सर समज आ रहा है। ठीक है, हाय ओके। सर। हाँ बोलिए। सर मैंने
कुछ 1 या 2 साल पहले टीवी में एक ऐड देखा था और पेपर में भी पढ़ा था कि समलैंगिक लोग एक साथ रहने के लिए कानून ने भी कुछ ये नियम कानून बनाए थे, या रह सकते, एक साथ रह सकते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ बताता हूँ। तो न्यूज में रिसेंटली 377 के बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हमारे गवर्नमेंट में कि हम अपने तरीके से जी सकते हैं, मगर पेरेंट्स ने या किसी और रिलेटिव ने उन पे रोक लगाया था और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया गया था। तो कानून ने क्या बोला कि ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर ये अडल्ट है इनको किसके साथ जीना है वो जी सकते हैं। वो रूल, ऐसे स्पेशल रूल नहीं बनाया या नया कानून नहीं आया है, उनको सिर्फ याद दिलाया गया कि इंडिया के रूल में ऐसे कुछ रूल्स नहीं है कि एक लड़की दूसरे लड़की के साथ नहीं रह सकती या एक लड़का दूसरे लड़के के साथ नहीं रह सकता। यही कोर्ट ने उनको समझाया वापस से, ऐसे स्पेशल कोई लॉ नहीं बना अभी तक। और अभी तो बहुत फिर सारे, हाँ बोलिए। आर्टिकल 377 आज तक रद्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आर्टिकल 377 में बहुत कुछ आता है, लाइक आर्टिकल 377 सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं। तो 377 को अमेंड किया गया अभी तक, जो कंसेंटिंग अडल्ट्स को फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका कंसेंट है किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए तो उस तरह के रिलेशनशिप को इफेक्ट नहीं करेगा 377। नहीं अगर उसको निकाला गया तो, अगर कुछ रेप हुआ विदाउट कंसेंट सेक्स हुआ, तो कोई दूसरा लॉ नहीं रहेगा उस पे, उन लोगों पे केस लगाने के लिए, इसीलिए उसको कंप्लीटली निकाला नहीं गया, सिर्फ अमेंड किया गया। आई होप ये आपका डाउट क्लियर कर दिया गया। यस सर। कोई और क्वेश्चन? हेलो। हेलो। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे लीगली मैरिज होता है, मतलब एक गर्ल और बॉय का, जैसे वैसे लीगली है क्या अभी इसके लिए, भी जो डॉक्यूमेंट अभी का सर्टिफिकेट मिलता है लीगली? नहीं, अभी तक मैरिज इक्वालिटी नहीं मिला, अभी सिर्फ इनको मतलब हमारे कम्युनिटी को अगर वो किसी के साथ रहना चाहते हैं उसको लीगल, वो इलीगल नहीं है बताया गया। पर ऐसे कोई रूल नहीं है कि जो अगर दो लड़के या दो लड़की शादी कर लेते हैं तो उनको मैरिज राइट्स मिलता है। अभी बहुत सारे लोग उसके लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं, आई होप जल्दी मिल जाए। अभी का डेट आई थिंक नवंबर को, नवंबर नहीं सितंबर का डेट लगता है नेक्स्ट डेट, तो उसके बाद पता चलेगा कि कब ये इस केस का क्या होने वाला है, अगर शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पर अगर हम स्मार्टली सोचें, बहुत सारे लॉज है ऐसे जो ट्विस्ट करके यूज किया जा सकता है, लाइक लिव इन रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स यूज किया जा सकता है। कुछ लोग अगर कोई दूसरे देश में जाना चाहते, दूसरे देश में जाके शादी करते, क्योंकि इंडियन मैरिज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, कहीं और जाके शादी करते, इंडिया में अडॉप्ट भी नहीं कर सकते आप बच्चे को, अगर सिंगल वुमेन या सिंगल मैन है, वेदर वो गे है या लेस्बियन है या सिर्फ स्ट्रेट है, फिर भी अडॉप्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे रूल्स हैं उस। 377 कलम को दुष्कर्म कलम क्यों कहते हैं? तो फिर क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। आर्टिकल 377 इसको दुष्कर्म कलम क्यों बोलते हैं? तो फिर आर्टिकल 377 और शादी में कोई कनेक्शन नहीं है, वो दोनों अलग लॉज है। आर्टिकल 377 ने बहुत सालों से बहुत लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, उनका उनके उनके राइट्स को छीन लिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या बोलता है, कोई भी अपने लाइफ अपने वैल्यूज के साथ जी सकता है। लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में बोलता है कि यू हैव द राइट टू, सॉरी, आपको हर चीज जो इंडिया में सबको मिलता है वो सबको अधिकार है कि सबको मिलना चाहिए, वो अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम, वो फ्रीडम नहीं था एलजीबीटी कम्युनिटी लोगों को 377 के वजह से, इसीलिए उसको ऐसे बोला जाए।
थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम. वेरी गुड क्वेश्चन जो भी पूछे, बट वेरी गुड क्वेश्चन. तो हमारे जो भी लॉज होते हैं ना, वो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मैच होना चाहिए. उस वजह से हम अगर अभी मैरिज राइट्स भी देखा गया, मैरिज का केस भी अगर देखोगे आप कोर्ट में, सबको वो लोग या लॉयर्स क्या करते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करने का देखते हैं, अगर किसी का राइट्स उसमें मिस हो रहा है ऐसे देख. पर मैरिज राइट्स में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इंडिया में मैरिज राइट्स एक ही मैरिज लॉ नहीं है. हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज अलग अलग है, स्पेशल मैरिज एक्ट है. तो इन सब के हिसाब से अब बहुत मुश्किल हो जाएगा कोर्ट को डिसाइड करना कैसे इसको इंक्लूड करेंगे. इसीलिए इसका भी टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा चेंज होने में लॉज. और कुछ मैरिज या 377 के बारे में पूछना, या बेसिक एलजीबीटी? मुझे लगता है सबको एलजीबीटी के बारे में पता है, इसलिए डायरेक्टली लॉज और इसके टाइम पे ही क्वेश्चन आया. एम आई राइट? बराबर. मुझे लगा कि मुझे बेसिक बोलना पड़ेगा. तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ. बेसिक तो सबको पता है लगता है. तो पैनसेक्सुअल कितने लोगों को पता था? सर्वलैंगी, कोई एक्सप्लेन कर सकता है पैनसेक्सुअल जो मैंने बोला था? एलजीबीटी आपने पी नहीं डाला था, पर मैंने एक एक्स्ट्रा टर्म बोल दिया उसमें. पैनसेक्सुअल क्या होता है? कोई भी एक आंसर कर सकते, कुछ भी, गलत भी होने दो, मैं करेक्ट करूंगा अगर गलत. एक्सेप्शन ऑफ द पीपल. सॉरी, अट्रैक्शन ऑफ द पीपल. हाँ नहीं, काइंड ऑफ करेक्ट. हाँ, पैनसेक्सुअल क्या होता है? सिर्फ मेल या फीमेल. अगर मैं लड़का हूं, मुझे मेल से भी प्यार हो सकता है, फीमेल से भी प्यार हो सकता है, या ट्रांसजेंडर से भी प्यार. ट्रांसजेंडर मतलब सिर्फ आप जो देखते हो हिजरा कम्युनिटी से, ऐसे नहीं. ट्रांस मैन भी होता है, ट्रांस वुमेन भी होता है. तो अगर मैं पैनसेक्सुअल, अपने आप को पैनसेक्सुअल मान लूं, मैं किसी से भी प्यार कर सकता हूं या किसी से भी अट्रैक्ट हो सकता हूं, उसको पैनसेक्सुअल बोलते हैं. वो एक ह्यूमन का जेंडर देख के अट्रैक्ट नहीं करते, वो एक इंसान को देख के अट्रैक्ट होते हैं, उनको पैनसेक्सुअल बोला जाता है. आई होप समझ गया, क्लियर हो गया. जी हाँ सर. हाँ सर. ओके, सो सिर्फ फिर से रिमाइंड करने के लिए, हिंदी में इसको सर्वलैंगी बोलते हैं. और आजकल देखेंगे तो सब जगह LGBTQ+ लिखते हैं. क्यों? क्योंकि LGBT में सारा जेंडर और सेक्सुअलिटी कवर नहीं होता. अभी इंटरसेक्स हुआ, उसके बाद एसेक्सुअल बोलते हैं. इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने एसेक्सुअल ग्रुप्स, इंटरसेक्स ग्रुप्स स्टार्ट हुआ, क्योंकि उनको लगता है इवन एलजीबीटी कम्युनिटी के अंदर भी उनके इश्यूज को बोला नहीं जा रहा, उनके इश्यूज के बारे में बात नहीं किया जा रहा, इसीलिए अलग अलग से ग्रुप्स ऐड होते जा रहे हैं और इसीलिए उनको पॉइंट आउट किया गया. और प्लस क्यों आ गया उसके बाद? क्योंकि ऐसे ही अल्फाबेट्स अगर ऐड किया जाएगा तो स्पेस नहीं रहेगा, तो उसी के लिए प्लस, और ज्यादा जेंडर्स और सेक्सुअलिटी है इसके, इसको बताने के लिए LGBTQIA+ डालते कुछ लोग, कुछ लोग LGBTQ+ डालते. तो मैं क्या करता हूं, आपके लिए एक डॉक्यूमेंट भेजता हूं, ऑल द जेंडर्स, सारे जेंडर के नाम हिंदी और इंग्लिश में, और सेक्सुअलिटी सिर्फ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, सॉरी पैनसेक्सुअल मेन सेक्सुअलिटीज है. उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्सुअलिटी है, डेमी सेक्सुअल फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनको स्मार्टनेस से प्यार होता है, सिर्फ इंसान को देखे नहीं, ये कितने क्या क्या कर सकते हैं, कैसे सोचते, कैसे बात करते, इनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, ये सब देखने के बाद लोगों को अट्रैक्ट होता है, उसको डेमी सेक्सुअल. तो उसके सेक्सुअलिटी का भी एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा और जेंडर का भी एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा. आई थिंक विनोद जी को भेजूंगा और आप सारे स्टूडेंट्स में शेयर कर सकते हैं. जी हाँ सर. और उसमें अगर कोई डाउट है,
कोई भी जेंडर और सेक्सुअलिटी, वो 40 या 50 से भी ज्यादा हो सकता है. आप मेरा ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट से, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सबको रेस्पॉन्ड करूंगा. हाँ सर sure. ये बहुत बेसिक क्लास था, इसीलिए मैंने सिर्फ LGBTQ कवर किया. और अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो पूछे, वरना आई थिंक कुछ ज्यादा नहीं है बेसिक सेक्सुअलिटी के बारे में बात करने के लिए. अगर आपको जेंडर के ऊपर भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं. हाँ सर, जो कम्युनिटी में, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स आपको आते हैं, ये अन्य लोगों को आते हैं, उसके बारे में जरा बच्चों को बताओ. श्योर. सो अभी प्रॉब्लम्स मैं बोलूंगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ज्यादा आते हैं. कल आपसे बात हुआ होगा ट्रांसजेंडर, सोनाली ने बात किया होगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए. बट क्या बोलते हैं, लेस्बियन या गे या बाइसेक्सुअल जब रोड पे जाते हैं, उनको इतना डिफरेंस नहीं लगता है कि हाँ ये इनका सेक्सुअलिटी अलग है, इनको इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. जब तक कुछ लोग थोड़ा इंग्लिश में फ्लैम्बॉयंट बोलते हैं, मतलब मॉडर्न, मे बी मेकअप डाला, मे बी एक इयररिंग पहन रहे, मे बी एक चेन पहन रहे, इमीडिएटली लोग उसको क्या बोलने लगते हैं कि हाँ ये गे है और सताने लगते. ऐसे बुलिंग ज्यादा होता है. यूएस और दूसरे कंट्रीज में गे बैशिंग भी होता है. मतलब अगर किसी को पता चला तुम गे हो तो उनको मार भी देते हैं लोग. ऐसे ही कुछ कंट्रीज में लॉ भी है कि उनको हैंग किया जाता है. तो ये प्रॉब्लम हर जगह है, सिर्फ इंडिया में नहीं. इंडिया में अभी भी सेफ है, कोई लोग इतना इंटरफियर नहीं करते. मे बी सताते हैं रोड पे, टीज करते. मेंटल हेल्थ स्ट्रेस बहुत हो जाता है इंडिया. उसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम. फैमिली में जब पता चलता है उनको शादी के लिए फोर्स किया जाता है, उनको अगर लड़का है तो शादी के लिए फोर्स किया जाता है. लड़की है, मैरिटल रेप बोलते हैं हम लोग उसको, अपने खुद के रिलेटिव्स को बेच के रेप करवा जाता है लड़कियों का, और बोलते हैं कि अभी ठीक हो जाएगी, कभी लड़के से नहीं मिली थी इसलिए अभी ठीक हो जाएगी, वैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है. उसके बाद दूसरे केसेस है कि जहाँ पे लोग खुद डरते, क्योंकि हम हमारे कल्चर या संस्कार में ऐसे सिखाया गया है कि पेरेंट्स को भगवान है, पेरेंट्स जो बोलते वही करना पड़ता है. तो बहुत सारे बच्चे अपना अपना प्यार हो या अपने फीलिंग्स को दबा के रखते, बात नहीं करते पेरेंट्स से. उस वजह से अगर मैं फिर से एग्जाम्पल लूं गे अपना, तो अगर मैं किसी लड़की से शादी कर लिया तो उनका लाइफ भी बर्बाद हो गया ना, दूसरे लड़की का भी लाइफ बर्बाद हो गया, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं कि मैं गे, और उनको पूरा जो एक हस्बैंड दे सकता है वो पूरा फैसिलिटी नहीं बोल सकता हूँ, ये क्या बोलते हैं, पूरा पूरा टाइम और पूरा कंफर्टनेस नहीं दे सकता हूँ, तो वो चीट हो गया. इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा बताना चाहिए या ओपनली बात करना चाहिए. बट ऐसे चीज बहुत मुश्किल है, हम बोलने में इजी हो जाता है मगर बहुत लोगों को करने में बहुत मुश्किल होता है. ये एक दूसरी प्रॉब्लम है. और लॉज, अगर हम लॉज देखा जाए तो एलजीबीटी लोगों को इंश्योरेंस नहीं मिलता है अपने पार्टनर्स के लिए, फैमिली इंश्योरेंस नहीं ले सकते, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते अपने पार्टनर्स के साथ. उसके अलावा बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है कि हॉस्पिटल में, अगर अभी कोविड के टाइम पे मेजर इश्यूज आ रहे थे कि अगर हॉस्पिटल में आप देखा जाएगा तो अपने पार्टनर को ये लोग पार्टनर नहीं लिख सकते थे, और उनको अंदर भी अलाउ नहीं किया जाता था. अगर कोई अपने पार्टनर के साथ रह रहा है, उनको अपने पेरेंट्स को बुलाना पड़ता था या कोई रिलेटिव को बुलाना पड़ता था, क्योंकि इनके बीच में रिलेशनशिप लीगली कुछ डॉक्यूमेंट है ही नहीं इंडिया में दिखाने के लिए. तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है सोसाइटी, घर में और हमारे गवर्नमेंट लॉज के अंदर. तो एक 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 करके हमको इन सब चीजों को बदलना है, इन सब चीजों के लिए लड़ना है. और बहुत सारे लोग अपने अपने इंडस्ट्री में अपने अपने जगह से कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं.
लॉस के लिए कोई और लड़ रहा, जैसे मैरिज एक्ट के लिए, जिनको मैरिज एक्ट अफेक्ट पड़ता है वो उनके लिए कुछ कोई और लड़ रहा है। हमारे यहाँ पे मिस्ट, मैं मिस्ट चलाता हूँ, एक एनजीओ है, हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए इंश्योरेंस दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको इजी पड़ता है वो अब मतलब उनके कंट्रोल में जो भी हो वो करना करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स भी अपने तरफ से भी बहुत सारे लोग ऐसे केसेस लड़ रहे हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स का हो सकता है। हाँ ऋषिकेश, कुछ क्वेश्चन है पूछ। ऋषिकेश ने हैंड रेस किया, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ। ऋषिकेश, ऋषिकेश मस्के जी, नहीं ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो LGBTQ कम्युनिटी फेस करता है। उसके अलावा ट्रांस कम्युनिटी अगर बोला जाता है, ट्रांस कम्युनिटी को बचपन से पेरेंट्स मारते हैं कि तुम ये लड़कियों का काम क्यों कर रहे हो, ये गलत है। उनके कपड़ों पे मजाक उड़ाया जाता है, उनके बिहेवियर पे मजाक उड़ाया जाता है, उससे उनका मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग घर छोड़ के भाग के फिर ऐसे सपोर्ट के लिए हिजरा कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाते हैं। और कुछ लोग, कुछ आजकल अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे पेरेंट्स एक्सेप्टिंग है, आप कॉर्पोरेट में भी ट्रांस कम्युनिटी को देख सकते हो काम करते हुए। फिर भी बहुत बदलना है, बहुत टाइम भी लगेगा सबको बदलने में। आई होप ये सब जल्दी हो जाए। जी बहुत अच्छा सर। मुलांना काही प्रश्न विचारायचे? सर एक्चुअली जब हम बचपन में होते हैं तब हमारा आइडेंटिटी हमें पता नहीं चलता, मतलब हम जब एजुकेशन उतना घर में सिखाया नहीं जाता, या स्कूल हो या बाहर कहीं, तो हमारी खुद की जो आइडेंटिटी है या हम कौन सी कम्युनिटी से आते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब आइडेंटिटी क्या है हमारी, वो कब तक पता चलता है ऐसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखो सेक्सुअलिटी फ्लूइड बोला जाता है, सेक्सुअलिटी बहुत फ्लूइड है। ऐसे नहीं कि 10 ईयर्स में पता चलेगा मैं बोल सकता हूँ या 50 ईयर्स के बाद पता चले। कभी कभी लोगों को सिर्फ लगता है कि नहीं मैंने कभी मिला नहीं इसीलिए मुझे ऐसे लगता है, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं लोगों को। पर सेक्सुअलिटी फ्लूइड है, सेक्सुअलिटी ऐसे चीज नहीं है कि एक स्टैंप डाल के बोल सकते हैं हम लोग कि हाँ तुम गे हो तुम स्ट्रेट हो। सेक्सुअलिटी को आज आप बोल दोगे कि हम हाँ मैं स्ट्रेट हूँ, मे बी 20 साल बाद बोलोगे मैं वो गलती थी, आज मैं लेस्बियन हूँ, मुझे सिर्फ लड़कियों से प्यार होता है। और एक 10 साल बाद आप बोल सकते हो कि नहीं मुझे तो लड़का या लड़की फर्क नहीं पड़ता, इंसान से प्यार होता। तो सेक्सुअलिटी कभी भी बदल सकता है, ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ ये फिक्स है यही रहना चाहिए लाइफ लॉन्ग यही रहना चाहिए, ऐसे नहीं बोल सकते। और जेंडर, अभी जेंडर का क्या होता है? हाँ सॉरी, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा? हाँ जी, नहीं सर, नहीं सर। और जेंडर का बात किया गया तो जेंडर बहुत अर्ली एज से ही पता चलने के चलना शुरू हो जाता है। जैसे लोगों को अगर ट्रांस, अगर मैं, अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे ऐसे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता है, मेरा बूब्स किधर है मुझे नहीं है, सॉरी ऐसे मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, बट ऐसे सारे चीजें जब एक आदमी इंसान को सोच में आता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे भगवान ने गलत बॉडी में डाला है, या मुझे इस बॉडी में कंफर्टेबल फील नहीं होता। पर वो भी ऐसा टाइम नहीं है कि 10 ईयर्स में पता चल जाता है, 15 ईयर्स में पता चल जाता है। कुछ लोगों को, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को 50 ईयर्स 35 ईयर्स के बाद भी पता चला कि नहीं मैं ट्रांसजेंडर हूँ। तो ऐसे फिक्स्ड एज बोला नहीं जा सकता, पर रिसर्च के हिसाब से ऐसे अप्रोक्सीमेट एज मिल जाता है। बट जेंडर भी
जेंडर फ्लूइड नहीं है, मैं जेंडर फ्लूइड नहीं बोलूंगा, पर जेंडर भी फिक्स्ड एज नहीं है। कुछ लोगों को लेट पता चलता है, कुछ लोगों को अर्ली पता चलता है। आजकल देखा जाएगा तो बहुत सारे लोग कॉलेज डेज में ही बोलते हैं कि हाँ मेरा जेंडर ये है, मेरा जेंडर ये है। जेंडर को और ब्रॉड करते हुए बोल सकते हैं, कुछ लोग क्योंकि सोसाइटी ने कैसे किया, चेयर का भी कभी कभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल चेयर पेन कुछ वस्तु को भी इधर फीमेल जेंडर के हिसाब से नाम है या मेल जेंडर के हिसाब से नाम। ऐसा क्यों है लैंग्वेजेस में? इसीलिए कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं मुझे जेंडर में विश्वास नहीं है, आई एम नॉन बाइनरी। नॉन बाइनरी एक टर्म है जिनको आप ये जेंडर या वो जेंडर में ब्लॉक नहीं करना है, या ट्रांसजेंडर में भी ब्लॉक नहीं करना है। उनको जो मन करेगा पहनने का विश होगा। अगर लड़कियों के कपड़े पहन के बाहर जाना है, लड़कियों के कपड़े पहन के बाहर जाएंगे, या लड़के के कपड़े पहन के जाना है तो लड़के के कपड़े पहन के जाएंगे। उनको नॉन बाइनरी बोला जाए। कुछ क्वेश्चन नॉन बाइनरी के ऊपर? मे बी ए न्यू, ये नया हो सकता है मेरे जो। सर 2016 में अलीगढ़ मूवी आया था होमोसेक्सुअल पर, तो उसमें भी आर्टिकल 377 के बारे में बताया था। करेक्ट, हाँ तो उसमें था 14, 18, 19, 21 ये कलम हमारे फंडामेंटल राइट्स मूलभूत अधिकार है, तो होमोसेक्सुअल का समावेश इन कलमों में करना चाहिए, ऐसा उसका उद्देश्य था। तो सर हाँ आप क्या बोल कहेंगे इसके बारे में? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बनाया है, होमोसेक्सुअल के लिए नहीं, सेपरेट नहीं है, या स्ट्रेट लोगों के लिए सेपरेट नहीं है, या हिंदू के लिए सेपरेट नहीं है, या मुस्लिम के लिए सेपरेट नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जब इंडिया में बनाया गया था सबके लिए था, सबके लिए एक अधिकार होना चाहिए था। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है अगर एक भी इंसान को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जिस तरह से लॉ बनाया गया इंडिया में, उसका भी ओपिनियन लेना है, उसके लिए भी कुछ सही करना है गवर्नमेंट को, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो इसमें मैं क्या कहूंगा, मैं मुझे भी इंडिया में हो या कहीं भी हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, मुझे लगता है सब इंसान को इक्वल राइट्स रहना चाहिए, सब इंसान को सब अधिकार रहना चाहिए जैसे सब सबको है। जैसे आपको अगर इंश्योरेंस मिल रहा है, क्यों नहीं एलजीबीटी लोगों को मिले, बोली। तो सिमिलरली मुझे लगता है सबको इक्वल अधिकार रहना चाहिए एक देश में। मुझे मुझे एक बात बोलनी है। आपने ये कहा ना कि कब कब ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हम किस जेंडर के हैं, तो इसके बारे में डैनिश गर्ल करके एक सिनेमा मैंने देखा, बहुत अच्छा सिनेमा है। उसमें दोनों आर्टिस्ट होते हैं और जो उसकी वाइफ है वो बोलती है कि मेरा मेरी मॉडल आज नहीं आई है, तो आप उस मॉडल के कपड़े पहन के उस मॉडल की जगह ऐसे बैठो। तो वो उसने ड्रेस डाला मॉडल का, और वो उसको ऐसा लगने लगा कि यही मेरी आइडेंटिटी है। तो बाद में तो इतनी देरी भी हो सकती है, इतने साल भी गुजर सकते हैं हम। हाँ, सोचिए कभी कभी इट्स घर पे अगर खाना बनाने की, एक लड़का जाके खाना बनाने की कोशिश करता है, या मम्मी को मदद करने के लिए घर साफ करने की कोशिश करता है। अभी होता है कि नहीं पता नहीं, मेरे जमाने में तो मेरे पापा आके बोलते थे ये लड़की का काम है, तुम क्यों कर रहे हो, ऐसे ख्यालात रहते थे हमारे। तो बहुत बार हमारे सेल्फ, हमारे अंदर ही ऐसे डर रहता है कि अगर मैं ये करूंगा तो लोग हंसेंगे। आपके कॉलेज में अगर एक लड़के लड़का को आप बोलेंगे स्टेज पे जाके लड़की के ड्रेस पहन के प्ले करें, तो वो भी सोचेंगे कि सब हंसेंगे, मैं क्यों करूं, मैं नहीं कर सकता। नहीं तो सब सोचेंगे कि मैं गे हूं इसलिए मैं नहीं करूंगा। ऐसे सारे ख्यालात आते हैं और लोग अपने आप को बहुत रोकते कुछ एक्सप्लोर या कुछ ट्राई करने के लिए। तब जब एक दिन उनको चांस मिलता है तब उनको पता चलता है। ऐसे सिचुएशंस में इनको कभी भी, मे भी मन में था बट ट्राई नहीं किया था इन्होंने।
और जब उस दिन ट्राई किया वो कपड़े को और अपने आप को उन्होंने मिरर में देखा या अपने आप को फील किया तो बहुत खुश हुए होंगे, उस वक्त पता चला कि मुझे ऐसा ही रहना है। ये बहुत फ्लूइड टर्म है ये आपने जो बताया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या क्या हो सकता है। तो इसका इसका सेंस कैसे करें, ये जेन्युइन है करके उसको कैसे एक्सेप्ट कर सके। देखिए अगर आपको आपके बच्चों को आपके बच्चों से पता करना है कि इनके सेक्सुअलिटी या जेंडर, उनको कॉलेज, उनके साथ आपको पेरेंट नहीं या टीचर नहीं, फ्रेंड फ्रेंड बन के रहना है। फर्स्ट चीज मैं बताऊंगा, घर पे आजकल आज तो ठीक तो फिर से चेंजेस आ रहे हैं, मगर कभी कभी अभी भी मैं महाराष्ट्र में या कहीं रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाऊंगा तो सैनिटरी पैड को न्यूज़पेपर में पैक करके देते हैं मेडिकल शॉप में। क्यों? सैनिटरी पैड क्या गलत है? नहीं, पर वो चेंज हमको लाना है क्योंकि इन सब चीजों के बारे में बात करना है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करना है। ऐसे बेसिक चीजों के वजह से बच्चों को कॉन्फिडेंट मिलता है कि हाँ अगर कल कुछ हो गया मैं आके अपने पेरेंट्स को बताऊंगा, अगर मुझे किसी और से अट्रैक्शन हुआ मैं आके अपने पेरेंट्स से बताऊंगा, वो सारे चीजें। और एक गलत होता है कम्युनिटी से कि टीवी में या फिल्मों में क्या दिखाते हैं, सिर्फ एक लड़का को लड़की के साथ प्यार होता है। आजकल एक दो फिल्म मूवीज आ रहे हैं जो एलजीबीटी के बारे में बात करता है, वरना उन पहले के मूवीज में सब एलजीबीटी का कॉमेडी बना दिया गया था। एक अगर गे है तो वो लड़की के जैसे बात करता है, मेरा वॉइस कहीं से भी लड़की के जैसे लगता है आपको, पर मैं गे हूं, मैं समलैंगिक हूं, मैं अपने पार्टनर के साथ पुणे में। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो है दुनिया में। और अगर एक लड़का एक लड़की से, मतलब छोटे बच्चा मे बी थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड भी हो सकता है, एक लड़की के साथ बात कर रहा है, उनके पेरेंट्स बोलते देख देख अभी से सारे लड़कियों से बात कर रहा है, हम 100% ये तो एक बढ़िया दुल्हन लेके आएगा घर में, ऐसे बोलते हैं लोग। तो वो दिमाग में बैठ जाता है ना बच्चों के कि घर में यही सोच रहे हैं, हम लड़का को नहीं ला सकते, लड़की को ही लाना पड़े, और डर जाते हैं पेरेंट्स से बता दे। तो ऐसे सब कंसेप्शंस को हमको रोक के बच्चों से ओपनली बात करना चाहिए, तब हमारे बच्चे आके हमको बताएंगे सब सच क्या है, उनको क्या लगता है। आई होप मैंने ज्यादा नहीं, आप बहुत बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मुझे एक और एक पूछना है कि ये जो माहौल है, वो जो गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं, तो हम वो उसको भूल चुके हैं। ऐसा ऐसा हो रहा है कई जगह कि हिंदू मुस्लिम रिलीजन के वास्ते क्यों और भी कई मसले है कि जिसमें डिफरेंसेस उभर के आ रही है, ज्यादा डिफरेंसेस हम लोग महसूस कर रहे हैं फिलहाल। वो बहुत सारी वजह है उसके लिए, लेकिन हो रहा है ऐसा। और उसमें हम जेंडर के जेंडर से कंपेयर करें तो जितने हम सनातन होते जा रहे हैं उतने हम इस बारे में भी सनातन होते जा रहे हैं। एक एक जगह ऐसी है कि जहाँ आशा है, नई आशा है, नए कानून आ रहे हैं, ऐसे आशादायक परिस्थिति होने लगी है, तो दूसरी बाजू में दूसरी बाजू निराशा हो रही है कि माहौल बिगड़ रहा है। तो इसको ये जो पैराडॉक्सिकल कंडीशन है उसको उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये बहुत पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा है आपने। मुझे लगता है अगर हम सनातन टाइम से काल से देखेंगे तो उस वक्त जेंडर और सेक्सुअलिटी के बारे में इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लोगों ने इतना सोचा नहीं था कि ये जाके किसके साथ सोता है, किसके साथ खाता है, हमें क्या करना है, हम अपने काम में व्यस्त रहेंगे, हम अपने चीजों में व्यस्त रहेंगे, वो सोचते थे लोग। कभी किसी ने आके नहीं पूछा तुम किसके साथ सोते हो, तुम किसके साथ शादी करना चाहते हो। अगर आप कामसूत्रा में भी देखोगे तो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में है, कामसूत्रा में भी है, और हमारे बहुत सारे टेम्पल्स पे भी कार्विंग्स है जहां पे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात किया गया। अभी जो हिंदू मुस्लिम का फाइट हो रहा है वो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, वो पर
सब रिलेटेड है, आपने जैसे बोला हाँ देख सकते हैं कि हम कैसे कल्चर को लेके लोग फाइट डालना चाहते हैं, कल्चर को लेके अपने चीजें बताना चाहते हैं। पर मैं सिर्फ सबको ये बताना चाहूंगा, अगर आप जाके हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, बाइबल कुरान या भगवद गीता सब में पढ़ोगे तो कहीं भी नफरत के बारे में नहीं लिखा गया, सबके सब जगह पे प्यार के बारे में लिखा गया है और सब जगह पे बोला गया है कि एक दूसरे अपने क्या बोलते हैं सराउंडिंग है, अपने नेबर्स को, जानवर हो या इंसान हो, सबको अच्छे से देखना चाहिए, ऐसे बोला गया सारे किताब में, मैं यही बोलना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है आपने। थैंक यू। जी पॉलिटिक्स में मत जाइए प्लीज, सेक्सुअलिटी और जेंडर तक। विद्यार्थी विद्यार्थ्यांना काही विचारायचं? छान, खूप चांगली चर्चा चालू आहे। मला वाटतं मुलींनी विचारायला हवं, मुलांनी विचारायला हवं, जे काही मनामध्ये असेल ते बोला। भीती नकोय, भीती ठेवू नका। खूप सारे प्रश्न असतात या वयामध्ये। चैट में भी डाल सकते हो, अगर आपको बोलने में हिचकिचाहट हो रही है तो चैट में भी डाल दीजिए, मैं पढ़ सकता। ठीक है, मुझे लगता है किसी का क्वेश्चन नहीं है। सर आप कोऑर्डिनेट करके मुझे बाद में भी भेज सकते हैं, मैं खुशी खुशी सबका क्वेश्चन आंसर करूंगा, इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। मैडम आपन बोलता प्रिंसिपल। यस, प्रिय विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी आणि बोथ द एचओडीज ऑफ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट अँड आवर चीफ गेस्ट श्याम सर, वी आर व्हेरी ग्रेटफुल टू यू दॅट यू आर गिवन युअर प्रेशस टाइम। अँड आय रिसिव्ड अ कॉल फ्रॉम सुरज दॅट यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लेम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय अँड ऑल दॅट, बट स्टील यू आर विथ अस। अँड आय नो द लँग्वेज बॅरियर प्रॉब्लेम, कि आप मराठी में नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने इतनी अच्छी तरह से हिंदी में हमें सारे टर्म समझाए हैं। एक्चुअली द व्हाई होमोसेक्सुअलिटी, इवन द हेट्रोसेक्सुअलिटी इज अ टाबू सब्जेक्ट इवन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया। हमारे बच्चे या हम सभी लोग खुली तरह से, खुली आम से बात नहीं कर सकते इस बात के बारे में। इसलिए तो आई कॉन्ग्रेचुलेट बोथ द एचओडीज कि उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट यहाँ रखा कि बच्चे इस बात के बारे में खुलेपन से बात कर सके। और मैं समझ सकती हूँ कि अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ हैं उनके घर में शायद जमहूरियत, डेमोक्रेटिक माहौल नहीं होगा, लेकिन आप एक कर सकते हो कि जब अपना खुद का घर होगा तो उस घर में आप डेमोक्रेटिक एटमोस्फियर ला सकते हो। लोकशाही आप अपने घर में ला सकते हो। अगर वो डेमोक्रेटिक एटमोस्फियर आपके घर में रहेगा तो आपके बच्चे आपके साथ खुले मन से बात कर सकेंगे और उनकी जो परवरिश है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगी और वो बहुत अच्छे सिटीजन्स बनेंगे। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है। और जैसा कि श्याम सर ने हमें बताया है, वैसे अगर आपको अभी कुछ पूछना नहीं है तो आपको जो भी कुछ सवाल है और आपके मन में कोई शंका है, कुछ भी आप इस बारे में पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। आप आपके एचओडीज के साथ बात कर सकते हैं, वो क्वेश्चन उनको मेल किए जाएंगे और यू विल गेट द सेटिस्फैक्टरी रिप्लाइज फ्रॉम। और मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगी श्याम सर, कि अगर पॉसिबल है तो आप ना हमारे एचओडीज के साथ इस पर अच्छी वेबसाइट्स कौन सी है,
ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स है, इम्पोर्टेंट एक कुछ वेबसाइट्स हो एलजीबीटी पर कि जो देखकर हम समझ सकेंगे, उनकी अगर आपने लिस्ट दी, या अभी कुछ स्टूडेंट्स ने जिक्र किया कि कुछ फिल्म आजकल आ रही है इस टॉपिक पर, तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हो, क्योंकि हमारे जमाने में जो इसे आपने कहा कि इसके बारे में कहा नहीं जाता था, इफ यू रिमेम्बर द मराठी फिल्म बाय स्मिता पाटिल, उमर ठा और ऑल, वहाँ थोड़े ऐसे रेफरेंसेस दिए थे के बाद में फायर आई थी, लेकिन एक अगर हमें लिस्ट मिल जाएंगे कि ये फिल्म्स है, अगर ये हम देखेंगे तो हमारे बच्चों को और हमें अच्छी तरह से ये जो टर्म्स है ये क्लियर हो जाएंगी, और आई होप कि दीज ऑल स्पीचेस विच आर वेरी एनलाइटनिंग फॉर अवर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच। अगर स्टूडेंट्स को फिल्म्स में इंटरेस्ट है, आप मैं पुणे इनवाइट करूंगा। हम लोग पुणे इंटरनेशनल क्वियर फिल्म फेस्टिवल करते हैं, अप्रैल में होता था, अभी लॉकडाउन के वजह से मूव हुआ, इस बार जुलाई में होगा। स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कुछ स्पेशल जो प्रोजेक्ट लिखना चाहेंगे मूवीज को देख के, ऐसा भी एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। ये 4 दिन का फिल्म फेस्टिवल होता है, 4 दिनों में वर्ल्ड के सब जगह से एलजीबीटीज मूवीज ही आते हैं, सिर्फ गे लेस्बियन बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर के ऊपर मूवीज आते हैं। उनके देश में कैसे प्रॉब्लम्स है, उनके देश में क्या स्ट्रगल होता है, उन सब चीजों के बारे में मूवीज बना के कर भेजा जाता है। अगर आपके टाइम है तो प्लीज आइए, ज्वाइन कीजिए। मैं वेबसाइट भेज देता हूँ सर को, आप सब सबके साथ शेयर कर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ, मला वाटतं मुलांचे प्रश्न झाले, काही चॅट बॉक्स मध्ये टाकतील मुलं। जी हाँ, आपण समारोपाकडे यायचं मॅडम। हो यस सर, सर हो, थँक्यू। आज अतिशय उत्कृष्ट अशी चर्चा या लेक्चर मध्ये श्याम कोनूर सरांनी केलेली आहे, आणि मोकळेपणाने खुलेपणाने ही चर्चा केली आणि विद्यार्थ्यांनी ती ऐकली। मला वाटतं समाजशास्त्राचे खूप मोठं योगदान या कोर्स मध्ये राहू शकेल। एक विशेष बाब अशी की माझी एक मुलगी 12वीला आहे आणि एक 10वीला आहे, त्या सकाळी मी याबाबत चर्चा केली, माझ्यापेक्षा कितीतरी गोष्टी त्यांना अधिक माहिती होत्या, आणि त्यांनी हे लेक्चर आता अटेंड करताय, ते ऐकताय। ते या पद्धतीने पालक सुद्धा मोकळेपणाने या सगळ्या गोष्टी ऍक्सेप्ट करतायत, बोलतायत, समाजामध्ये त्याचा अवेअरनेस निर्माण करतायत। या बाबतीत श्याम सरांचं लेक्चर हे अधिक महत्वाचं ठरलेलं आहे। मी प्रमुख पाहुणे म्हणून माननीय श्याम सरांचं या ठिकाणी महाविद्यालयाच्या वतीने खूप खूप आभार मानतो। तसेच केटेचे महाविद्यालयाचे समाजशास्त्र विभाग प्रमुख माननीय संजय सावळे सर यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानतो। तसेच माननीय प्राचार्या डॉक्टर लीना पांढरे मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाने हा कोर्स सुरू आहे आणि विद्यार्थी त्याचा लाभ घेता आहेत, त्यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानतो। तसेच या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थी अतिशय आवर्जून असे सहभागी होत आहेत, प्रश्न विचारत आहेत, आणि म्हणून या सर्व विद्यार्थ्यांचं आणि सहभागी विद्यार्थ्यांचं मी मनपूर्वक आभार मानतो। आणि या ठिकाणी हे लेक्चर संपलं। दुसरं आपलं जे लेक्चर आहे ते 2 वाजता असेल, माननीय प्राध्यापक दीपक शिंदे सर त्याविषयी कालचं जे लेक्चर राहिलेलं होतं लिंगभाव आणि जमीन वाटप आणि वादविवाद ते बोलणार आहेत, आणि 4 ते 5 या वेळेमध्ये प्राध्यापक डॉक्टर उमेश शिंदे सर लिंगभाव आणि आदिवासी स्त्रिया या बाबतीत ते आपलं मत मांडणार आहे, ते मार्गदर्शन करणार आहे। या ठिकाणी आपण थांबूया। श्याम सर बहुत अच्छा, बहुत बढिया हुआ है। थँक्यू, थँक्यू, हा थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू।